आप 5 मिनट और अटेम्प्ट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपसे ना फर्स्ट पोर्शन का सेशन डिस्कस कर लेता हूँ। आप उसके साथ साथ देखते जाइए कोई कंफ्यूजन हो, और देन उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर लीजिए। इसी तरीके से हम आगे मूव करते जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहली स्टेटमेंट ये कुछ वो डिस्कशन थी कि चर्न रेट क्या है, क्यों जरूरी है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कुछ सिनेरियोस डिस्कस कर लिए हैं, जो हम हमारे पास डेटा सेट है अगेन इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई कि कितने रिकॉर्ड हैं, कितने कस्टमर के इन्फॉर्मेशन हैं और उसके कितने एट्रीब्यूट हैं। अब हम बताते हैं जो हमने टास्क परफॉर्म करना था। पहली स्टेटमेंट इंपोर्ट पांडा द स्पीडी कर लिया, देन उसके बाद हर एक फाइल को हमने लोड कर लिया और लोड करके हर एक फाइल को डॉट हेड करके वो देखिए कि अच्छा उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट आ रहे हैं, स्टेट आ रहा है, फोन नंबर इसी तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं, इसी तरीके से जो हमारे पास लास्ट फाइल थी उसमें भी मेरे पास दो एट्रीब्यूट आ रहे हैं। नेक्स्ट टास्क था कि अब मुझे अपना डेटा प्रिपेयर करना है फॉर मशीन लर्निंग और डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट फाइल्स में, तो पहली चीज जो देखनी है वो है कि कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो तीनों फाइल में कॉमन है ताकि मैं उसकी बेस पे ज्वाइनिंग कर सकूं या मर्जिंग कर सकूं। सो तीनों फाइल्स में जो कॉमन एट्रीब्यूट था दैट इज फोन नंबर, सो ऑन द बेसिस ऑफ फोन नंबर अब हम तीनों फाइल्स को मर्ज करने लगे। अब उसके लिए हमें पता है कि आप कोई से भी दो लेट से पहले ले लें डेटा फ्रेम्स और उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन एट्रीब्यूट कहेंगे इस एट्रीब्यूट की बेस पे हमने मर्ज करना है और किस तरह करना है। लेट से आप इनर और भी बेशुमार उसमें वेरिएशंस हैं जिस हम एसक्यू में भी पढ़ते हैं कि आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड सो ऑन, तो भी हम जो ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं वो है इनर ताकि हमारे पास हर एक फोन नंबर के अगेंस्ट तो आगे तो डेटा आ जाए। सो यहाँ पे अब हमने दो दफा मर्ज की कमांड लिखी, पहले दो फाइल्स को लिया मर्ज किया, एक रिजल्टेंट डेटा फ्रेम आया उसको जो एक थर्ड फाइल रह गई थी उसको मर्ज किया ऑन द बेसिस ऑफ फोन नंबर और मेरे पास कंप्लीट डेटा इस वेरिएबल में आ गया। आपने एबीसी रखा हुआ जो भी नाम रखा है यहाँ पे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर हम वो खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा और बेहतर है फॉर सेक ऑफ रीडेबिलिटी पर्पस कि जब आप कोड रिव्यू कर रहे हैं या आपको जो बाद में कुछ चेंज करने पता है कि आप ये वाला पर्टिकुलर कॉलम कॉमन था। नेक्स्ट उसके बाद आपसे कुछ टास्क फिर इस तरीके से हेड किया तो वो सारे सारे डाटा आ गए। अब हमने डाटा को एक्सप्लोर करना था कि हाउ मच डाटा डू वी हैव, कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं, फिर आर देयर एनी मिसिंग वैल्यूज, क्या उनमें कोई मिसिंग वैल्यूज हैं, वट इज द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, जो मेरे पास इतने 20 एट्रीब्यूट्स हैं उनकी डेटा टाइप क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें डेटा टाइप से स्ट्रिंग टाइप है और उनमें जो वैल्यूज हैं वो मेरे लिए यूजफुल ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का अगर नाम है तो क्या कस्टमर नेम किसी भी तरीके से वो एट्रीब्यूट मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है कि मैं उसकी बेस पर डिसीजन करूँ कि अच्छा कामरान नाम है तो कामरान नाम ये डिफॉल्ट ही करेगा या कोई और एक्स वाई ज़ेड नाम है तो ये लॉयल ही रहेगा। सो हमें ये देखना है कि कौन से एट्रीब्यूट्स डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे एक्चुअली इसमें एक बार ऐड करना चाहूंगा, कभी कभी ये भी होता है कि आपकी कोई एक कॉलम जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आपको पढ़नी है लेकिन कोई एक लेट्स से ऐसी चीज पहले पढ़ी है तो वो जब तक अगर एक कॉलम में सारी न्यूमेरिक वैल्यू तब तो वो उसको कन्वर्ट करता है लेट्स से इंटीजर या फ्लोट या व्हाटएवर, लेकिन अगर उसमें कोई एक भी ऐसी चीज पढ़ी हुई है नया नहीं ऐसी लिखा हुआ है तो वो उसको ऑब्जेक्ट करेगा। अब आपने जो है उस पे ऑब्जेक्ट है उसको आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को तो पास नहीं कर सकते, ठीक है, तो पहले उसको क्लीन करेंगे और उसको फिर आप फोर्सफुली जो है उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे। तो डेटा टाइप देखने का ये फायदा भी है कि जो डेटा टाइप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो न्यूमेरिक है होने चाहिए, क्या वो न्यूमेरिक भी है कि नहीं, क्योंकि अंदर डेटा नॉन क्लीन की वजह से वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो हम इन क्वेश्चन को आंसर करना चाह रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डाटा किस तरह फाइंड करना है, अगेन लेंथ का फंक्शन आपने यूज कर लिया, हो सकता है किसी ने शेप और उस तरह के फंक्शन यूज किए हो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गए। देन उसके बाद आर देयर एनी मिसिंग वैल्यूज, सो हमने क्या किया df डॉट इज नल आगे डॉट सम कर दिया तो हमारे पास ओवरऑल टोटल काउंट आ गया कि कितनी मिसिंग वैल्यूज हमारे पास है। देन उसके बाद था व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, मेरे पास डेटा फ्रेम है अगर मुझे तमाम कॉलम्स के तमाम एट्रीब्यूट्स की डेटा फिर देखनी है तो अगेन उसका भी बहुत सिंपल लाइन ऑफ कोड है df.dtype करेंगे तो तमाम के तमाम मेरे पास एट्रीब्यूट्स की डेटा टाइप्स आ जाएंगे।
नेक्स्ट उसके बाद था कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है ईच कॉलम की. आमतौर पर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और उनमें जो रेंज आ रही है मीन मैक्स एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन वो किस तरह. आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था मीन मैक्स स्केलिंग. अब अगर आपके पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और उसमें कुछ फीचर ऐसे आ रहे हैं जो ऑलरेडी एक ही स्केल है मीन वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे मैक्स वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे तो हमें वहां पे किसी तरह की मीन मैक्स स्केलिंग या शायद प्रीप्रोसेसिंग की जरूरत ना पड़े. लेकिन अगर कोई सिचुएशन इस तरीके से कि जहां पे आपके पास लेट्स से मिनिमम वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ रही है कहीं पे बहुत छोटी छोटी आ रही है देन आपको वहां पे कुछ ना कुछ प्रीप्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है ताकि ये सारी सारी वैल्यूज नॉर्मलाइज हो सके और मशीन लर्निंग अगर उन पर बेहतर तरीके से लर्निंग परफॉर्म कर सके. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सो नॉर्मली इट इज रिकमेंडेड कि आप स्केलिंग करें लेकिन वो डाटा देख के अगर है तो फिर आप स्केलिंग करें अदरवाइज तो जरूरत नहीं. सो और जो लास्ट क्वेश्चन था कि डू यू सी एनी आउटलायर्स तो उसके लिए हमने अगेन डिफरेंट स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट करती हैं आउटलायर्स को फाइंड करने के लिए. उस डिटेल में फिलहाल हम नहीं जा रहे. हमने नेक्स्ट टास्क क्या काम किया कि जो भी हमारे पास नल वैल्यूज थी हमने उनको जीरो से रिप्लेस कर दिया. जितने भी नल वैल्यूज हैं आप भी एक कमांड लिख लीजिएगा df dot fill na 0 comma in place is equal to true. In place is equal to true क्या काम करते हैं? गुड के सेम डेटा फ्रेम में ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा और उसी को अपडेट कर देगा. अब जब आप उसके बाद काउंट देख रहे होंगे तो आपके पास कोई भी नल वैल्यू नहीं आ रही होगी. अब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर करने ये जरा चैलेंजिंग है. पहले जरा आसान थे स्पेशली जो आपके पास थर्ड पॉइंट है यहाँ पे आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा ये कमांड बताइए. सो अब आपको इन तीन क्वेश्चंस का आंसर करने एक काउंट द नंबर ऑफ फोन्स इन ईच स्टेट. सो आपके पास डेटा जिसमें स्टेट की इंफॉर्मेशन है जाके देखें डेटा फ्रेम में कि वहां पर भी अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल करें जहां पे स्टेट्स हैं या सिटीज हैं और अगर आपने उसकी बेस पे कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो कौन सी कमांड यूज हुई. इसी तरीके से नेक्स्ट को आंसर करें और उसके बाद नेक्स्ट ट्राई करें. df dot fill na अगर आप लोगों ने ये कमांड नहीं लिखी तो उसको लिख लीजिएगा ताकि आपके पास फाइनल डाटा है उसमें कोई भी नल वैल्यूज ना पड़े और वो रिप्लेस हो चुकी है जीरो से. वो नीचे लिखते हैं वो नीचे करें और अब आपने ये रॉन्ग क्वेश्चन कौन से करें. सो आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करने ये तीन पहले क्वेश्चंस हैं. Thank you.
हाँ हाँ ये पीछे
वो तो मैं करते जा आपके पास 5 मिनट्स तो मोर है, उसके बाद आप सिचुएशन डिस्कस करते हैं। Thank you.
और दिन के बाद आपके पास सो जरा सॉल्यूशन डिस्कस कर लें। जी मेरा भाई आ जाओ ओके जी काइंडली तमाम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स नहीं कहना चाहिए कैंडिडेट्स पहली स्टेटमेंट थी कि काउंट द नंबर ऑफ फोन्स इन ईच स्टेट। जब हमने यहाँ पे ईच स्टेट कह दिया तो इट मीन मुझे हर सूरत में ग्रुप बाय वाली कमांड दिखनी है। अगर सिर्फ आपसे ये कहा जाता या ये मेरी फरमाइश होती कि मुझे बताइए टोटल नंबर टोटल फोन नंबर्स कितने हैं तो आप अगेन डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट दिस डॉट काउंट कर लेते और आपके पास वो चीजें आ जाती। लेकिन अब मुझे हर स्टेट के लिहाज से उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए बहुत ही सिंपल कमांड df डॉट ग्रुप बाय। फिर आपने बता दिया किस बेस पे हमने ग्रुप बाय करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट करना है। फिर और मुझे किसका काउंट चाहिए मुझे फोन नंबर का काउंट चाहिए सो फोन नंबर डॉट काउंट। तो मेरे पास हर स्टेट में जो फोन नंबर जितने भी फोन नंबर उनका काउंट आ गया कोई मुश्किल बात तो नहीं। इस पे जस्ट एक ऐड करना चाहूंगा एक और तरीका भी हो सकता है जी दैट इज यूजिंग पिवट टेबल सो और भी वेट मल्टीपल पेज हो सकते हैं तो वो आप एक्सप्लोर करते हैं। सो अगर मैं यहां पे सिंपल अगर इसको हम थोड़ा सा और
अब ग्रुप बाय किया स्टेट की बेस पे, अब इसने स्टेट की बेस पे ओवरऑल ग्रुपिंग कर दी, अब मुझे उस पर कुछ ना कुछ एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट। सो वो जो एट्रीब्यूट आगे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो है फोन नंबर, और मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू उठानी है, मिनिमम वैल्यू उठानी है, काउंट उठाना है, मीन उठाना है, तो हम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे फोन नंबर का काउंट गेट किया, और अगर हमने फाइंड एवरेज इंटरनेशनल कॉलिंग इन मिनट्स फाइंड करना है फॉर ईच स्टेट, तो यहाँ पे भी सेम अप्रोच यूज होगी कि df डॉट ग्रुप बाय देन स्टेट, और इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल कॉलिंग मिनट्स वो स्पेसिफाई कर दिया, और उनके एवरेज मिनट्स चाहिए डॉट मीन, काउंट पहले चाहिए था फोन नंबर का तो डॉट काउंट कर दिया, ना तो मीन चाहिए, मेन चाहिए। यहां तक कंफ्यूजन, अब आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है, वो क्या है कि हमारे पास तीन टाइम स्लॉट्स आ रहे हैं, df डॉट, अगर मैंने कॉलम्स देखे तो क्या करूंगा, अच्छा सो df डॉट कॉल करके आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे, और आपके पास तीन टाइम जोन्स आ रहे होंगे, डे, इवनिंग और नाइट, और वहां पे कुछ सिचुएशन इस तरीके से होगी फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी में यहाँ पे एग्जांपल, कि आपके पास पंजाब के डे के टोटल बैंडविड्थ कितनी यूज हो रही है, मिनट्स को ऐड कर दिया वो आ गया, फिर इवनिंग टाइम स्लॉट्स के लिहाज से मेरे पास जितने भी मिनट्स यूज हो रहे थे वो आ गए, नाइट के लिहाज से जितने भी मिनट्स यूज हो रहे थे वो आ गए। इसी तरीके से मेरे पास हर एक स्टेट के लिहाज से, हर एक प्रोविंस के लिहाज से ये सारा का सारा काउंट आ गया। अगर आपसे ये गेट कर लो तो आप इसी तरीके से जैसे पहले हमने दो कमांड लिखे थे, अगेन स्टेट यानी df डॉट ग्रुप बाय किया स्टेट के लिहाज से, और अब आपको इन वहां पे हमें सिर्फ पहले एक कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उस पर आप काउंट कर रहे थे या मीन कर रहे थे, अब हमें तीन कॉलम एज एन लिस्ट के फॉर्म में उसको पास कर देंगे और मेरे पास ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर मुझे इन सब की वैल्यूज की एड करना है तो डॉट सम कर दूंगा, अगर मुझे मीन लेना आ रहेगा तो मीन ले दूंगा, जो भी हम यहाँ पर प्रोच करना चाह रहे हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब मेरे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, मुझे यहाँ पे वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आइडेंटिफाई करनी है जो हर एक प्रोविंस के, ताकि वो प्रोविंस उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिहाज से नई ऑफर्स शेयर कर सके। तो अब आइडियल केस में होगा यहाँ पे क्या कि मेरे पास लेट से एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, देखा जाएगा यहाँ पे 100 आंसर है, 50 है, 70 है, सबसे कम अभी हम अब जो मिनिमम फाइंड कर रहे हैं कॉलम वाइज नहीं कर रहे, जो आपके पास बिल्टिंग फंक्शन मीन मैक्स वो एक एट्रीब्यूट लेते थे और उस कॉलम की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या एवरेज फॉर्म फाइंड कर देते हैं, अब हमने इस तरह मिनिमम वैल्यू फाइंड कर दी। सो इन दिस केस आपके पास यहाँ पे आंसर आना चाहिए इवनिंग, यहाँ पे आंसर आना चाहिए लेट्स से डे, यहाँ पे आंसर आना चाहिए अगेन इवनिंग, यहाँ पे आंसर आना चाहिए डे। ओवरऑल प्रॉब्लम समझ आ रही है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, गुड। सो अब उसके लिए हमने क्या काम किया, df डॉट ग्रुप बाय, उसके बाद स्टेट के लिहाज से ग्रुप बाय कर लिया एज इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स ताकि वो इंडेक्स ना बने, और फिर उसके बाद मुझे तीन कॉलम चाहिए थे, डे मिनट्स, इवनिंग मिनट्स और नाइट मिनट्स, और उन सब की वैल्यू को मैंने पकड़ के सम कर दिया, और मेरे पास
ये मैट्रिक्स आ गया समझे, या मैंने एवरेज आउट लेना, एवरेज करना तो एवरेज करके आ जाएगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं ओवरऑल कि कौन सा अंडर यूटिलाइज हो रहा है। अब मुझे इसको लुकअप करके देखना है कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू सबसे मिनिमम है और वो किस टाइम स्लॉट की है, ताकि मैं उसको यहां पे एक एक्स्ट्रा कॉलम अटैच कर सकूं और मेरे पास एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट आ सके। वन लास्ट है कि मुझे अब इस पूरी रो को लुकअप करना है और देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे मिनिमम है और वो किस इंडेक्स पे पड़ी है और वो पर्टिकुलर वैल्यू यहां पर आ गई। तो उसके लिए कमांड क्या है, ये सिंपल सी कमांड है, क्योंकि उस डेटा फ्रेम का नाम df2 था तो हमने क्या किया df2 इन इन कॉलम्स की वैल्यूज को डॉट अगेन idx min x is equal to 0 ये पर सॉरी x is equal to 1 ये क्या काम करेगा जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि ये इस पूरे वैल्यूज को लेगा, इनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा और उसका इंडेक्स क्या है वो रिटर्न कर देगा। हेडर जी इंडेक्स हेडर जी हेडर सॉरी इंडेक्स नहीं हेडर वो रिटर्न कर देगा। सो इस तरह मेरे पास df2 और उसके पे एक बेस्ट स्लॉट एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होगा और उसमें हर एक रो के अगेंस्ट जो कि रो रिप्रेजेंट कर रही है स्टेट को उसकी बेस्ट स्लॉट आती जाएगी और देन जब आप df2 डॉट ऐड करेंगे तो आपके पास इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। कोई कंफ्यूजन इस कमांड को जल्दी से लिख लीजिए और रन कर लीजिए। सो अब आपके पास कंप्लीट डेटा आ चुका है, आपने एनालिसिस परफॉर्म कर लिया है, बाकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तो अप्लाई करनी है वो तो बस यही आप लोगों ने देखते हैं आईटी सीरीज में वीडियो से कर लिया हम लोग का उसको सो अब आपके पास ये कंप्लीट डेटा है तो आपके पास जो आगे टास्क जो लिखे हुए हैं के यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है इन इन कॉलम्स को आप डिलीट कर दें क्योंकि वो हमारे पास प्रेडिक्शन पर यूज नहीं हो रहे होंगे। फिर इसी तरीके से कुछ ऐसे कॉलम्स हैं वहां पे जो वैल्यूज हैं वो यस और नो है और आप चाह रहे हैं कि वो ट्रू और फॉल्स हो ताकि उन पर प्रोसेसिंग करना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए पॉसिबल हो। राइट वन जीरो से क्योंकि अगर आपके पास ट्रू फॉल्स है मीन्स वन और जीरो। देन उसके बाद आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है कि डेटा फ्रेम को एक दफा डिस्प्ले करवा दीजिए फिर डेटे को कंप्लीट डेटे को जिसमें से आपने अब एक्स्ट्रा जो कॉलम्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए चाहिए वो रिमूव कर चुके हैं और जो कुछ कॉलम चाहिए थे और उनमें कुछ डेटा के इशू थे जैसा डॉक्टर जुबैर ने भी आपसे शेयर किया कि बार बार आपके पास डेटा में कुछ मसले होते हैं और वो एट्रीब्यूट आपको चाहिए होते हैं वो आप इस स्टेज पे फिक्स कर चुके हैं जहां पे आपने ये कमांड। अब आप कंप्लीट डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कैसे ट्रेन टेस्ट डेटा को यूज करते हुए और उस पर मॉडल फिट करेंगे फिर मॉडल कौन सा करना है वो भी यहाँ पे मेंशन है फिर उसके आप हाइपर पैरामीटर देखें उसका कोड भी आपके पास अवेलेबल है ग्रिड सर्च के थ्रू आप करें फिर इसी तरीके से क्रॉस वैलिडेशन करें सारे स्टेप्स बाकी तो आपके लिए आना। आप मैं आपको सिर्फ यहां तक गाइड करूंगा एक ये स्टेप ये स्टेप बस ये स्टेप बाकी डिस्प्ले करना गेन डॉट एड करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा टेन प्लस पेट बाकी तो आप मास्टर हो। सो पहले दो स्टेप जो है इनको जरा फोकस करें बस ट्राई करने में डॉक्टर सुन लीजिए सर ऊपर करेंगे जो आपके पास नोटबुक में लिखे हैं देखिए आपके पास नोटबुक में है नहीं जो कॉलम्स डिलीट करने हैं वो वहां पे हैं
ये वाले कॉलम्स आपने ड्रॉप कर दिए, ये लिखे हैं उसको अपनी मर्जी से नहीं करनी। लेकिन जब ये टाइम अब फर्स्ट होगा डेटा, तो वहां पे भी आप ये देखेंगे कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कोई रोल प्ले नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर कस्टमर का नाम है, फादर नेम है, उसकी मंथली इनकम है, उसके वर्क की लेटर ऑफ टैक्स पेयर है, तो इन चार एट्रीब्यूट्स में से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है? उसकी इनकम और टैक्स पेयर से रिलेटेड, नेम, फादर नेम, या उसका एड्रेस, चाइल्ड, तो उनको ड्रॉप करें। पहले आप वो करें as index is equal to false हो गया, वो देखें पुलिसिया उससे पहले ना ग्रुप पर वेब स्टोर करें, क्योंकि वहाँ पे जो इंडेक्स बन रहा है ये किया इसको आपने किसी और वेरिएबल में स्टोर कर दिया, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा से ना रीस्टार्ट करने का डर होता है, और फिर सीक्वेंस में देखो जी जी ये जरूरी है, क्योंकि हम स्टोर कर रहे हैं एक और वेरिएबल में df2, और फिर हम df2 पे आगे काम कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है, आपको नोटबुक चाहिए?
I
सो डिस्कस कर लें। तो पहला स्टेप क्या था कि आपको ड्रॉप करने हैं इररेलेवेंट कॉलम्स, क्योंकि आप डेटा फ्रेम से डील कर रहे हैं डीएफ में। सो आपने क्या किया, आपने कहा डीएफ डॉट ड्रॉप, और यहां पे जिन जिन कॉलम्स को आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं उनको ड्रॉप किया, और जो आपके पास रिजल्टेंट डेटा फ्रेम आया आपने उसको इसी df में स्टोर करवा लिया, ताकि मेरे हमारे पास जो आपका df की वैल्यू है उसमें तीन कॉलम्स ड्रॉप हुए हुए आ जाए। कोई कंफ्यूजन यहां पे? नेक्स्ट, अभी स्टेटमेंट को रन करते फिलहाल। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि मुझे अब अपने वो पर्टिकुलर कॉलम्स जिनमें वैल्यू यस और नो है उसको रिप्लेस करना है ट्रू और फॉल्स से, क्योंकि एसक्यूएल या पांडा से उसको पता है कि ट्रू और फॉल्स का मतलब है वन और जीरो। डेटा फ्रेम जब आप पढ़ रहे थे या पांडा जब आप पढ़ रहे थे उसमें अगर आपके पास ये डेटा फ्रेम है और आपने किसी भी वैल्यू को सर्च करने फाइंड करने तो क्या होता है, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ये डेटा फ्रेम है जिसमें ये कॉलम है और भी बेशुमार कॉलम्स हैं, राइट, मुझे वो पर्टिकुलर रोज चाहिए जहां पे इस कॉलम लेट्स से कॉलम वन की वैल्यू यस है, तो हम लिख देते हैं df ऑफ कॉलम वन इज इक्वल टू यस। इस ये स्टेटमेंट क्या काम करती है, ये स्टेटमेंट आपको रिटर्न करती है एक बूलियन टाइप की सीरीज ट्रू और फॉल्स। यहां पे हमें यस सर्च करना था, चाहे आप ट्रू वैल्यू सर्च करनी है, किसी एक स्टेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जब भी वो कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो जहां जहां भी कंडीशन मैच हो रही होगी वहां पे वो ट्रू रिटर्न कर देगा और बाकी जगहों पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी वजह से जब आपने कहा था कि df dot is null और आप आगे काउंट नहीं करते तो आपको एक मैट्रिक्स रिटर्न होता है जो इसकी डायमेंशन उतनी होती है जाके जितना डेटा फ्रेम का साइज, और वहां पर आपको ट्रू फॉल्स लिखा हुआ आ जाता है। वो चीज वही देखना होता है कि अच्छा एक पर्टिकुलर सेल में नल है या नहीं, नल है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, और नॉट नल करेंगे तो उसका बिहेवियर बिल्कुल ओल्ड है। सो यहां पे भी हम कुछ इस तरह ही कर रहे हैं, इससे और सिंप्लीफाई किया जा सकता था लेकिन मैंने थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी जानने के लिए कॉम्प्लेक्स किया। आपके पास ये जो कॉलम्स नेम्स है जिनमें यस और नो पड़ा हुआ था इनको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ये मैं मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे भी पास कर सकता था, जैसे मैं यहाँ पे df में वन पास किए, मल्टीपल कॉलम पास करने तो वन कॉमा टू या जो भी कॉलम नेम में सेपरेटेड बाय कॉमा किया जा सकता था। ये वो पर्टिकुलर कॉलम्स हैं जिनमें मैंने चेक करना है कि यस है, अब जहां जहां पे यस है उसके अगेंस्ट वो मैच करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, और जहां जहां पे यस नहीं मिलेगा मीन्स नो मिलेगा वहां पे वो ऑटोमेटिकली फॉल्स कर देगा, और इस तरह डेटा फ्रेम के यही रिस्पेक्टिव कॉलम्स यस और नो की बजाय ट्रू और फॉल्स से अपडेट हो जाएंगे। वन मोर टाइम, ये दो कॉलम्स थे जिनमें वैल्यूज पड़ी थी यस और नो,
मैंने इनको एक वेरिएबल में लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करवा दिया, देन अभी स्टेटमेंट को भूल जाए जो होपफुली मेरे हाथ पर नजर आ रही हो. सो df ऑफ, जब आपने ये कहा यस नो कॉलम्स, तो उसने इंटरनेशनल प्लान और बीमेल प्लान में क्योंकि वैल्यूज पड़ी हुई थी यस और नो, तो जहां जहां पे यस मैच हुआ उसने उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली ट्रू रिटर्न कर दिया, और जहां पे यस मैच नहीं हुआ वहां पे उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया. इट मींस कि ऑटोमेटिकली नो के अगेंस्ट फॉल्स आ रहा है, और वो पूरी की पूरी वैल्यूज हमने इन रिस्पेक्टिव कॉलम से अपडेट कर दी. तो अब मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स. इसी तरह अगर आप चयन वाला कॉलम देखें तो वहां पे आपको ट्रू और फॉल्स ही नजर आ रहा है, लेकिन मस्ता वहां पे है कि वो एंड पे डॉट लगा हुआ है, तो वो बुलियन टाइप में और स्ट्रिंग टाइप बन रही है. तो वहां पे अगर आपने अगेन सिंगल कोट ट्रू डॉट करके किया और इसको भी आपने ट्रू और फॉल्स में मैप कर दिया. जी कोई कंफ्यूजन? मल्टीपल कॉलम होंगे वो अपनी की जगह पे प्लेस करेगा, तो हम यहाँ पे कुछ करना तो कर सकते हैं. ये भी काम सभी हो सकता है जहाँ पे वो दो आ रहा हो, वो तो नल के लिए बिल्ट इन फंक्शन है. तो रिकमेंडेड अप्रोच यही है इन प्लेस, हां इन प्लेस, यानी वहां पर हमने रिप्लेस, यानी वो हमने कहा था कि इस नल है तो उसको इस तरीके से प्लेस कर. तो यहां पे यस सर, ठीक है सर. तो आपके पास फाइनल डेटा आ चुका है जिसमें आपके पास नॉन कॉन फीचर्स हैं जिनको आपको प्रोसेस करना है, और आपके पास एक्चुअल लेबल भी है चयन जिसमें वैल्यूज पड़ी हैं ट्रू और फॉल्स. लेकिन ये अब सारा सारा डेटा आपके पास का है एक ही डेटा फ्रेम में. अब पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसको जो चयन वाला कॉलम है उसको अलग से आप नेट से बाहर में स्टोर करवा दें, और बाकी जो सारे कॉलम्स हैं उनको आप एक्स में स्टोर करवा लें. देन उसके बाद इस पे आप ट्रेन टेस्ट का स्प्लिट करें, ट्रेन डेटा अलग करें, टेस्टिंग डेटा अलग करें, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स दिल खोल के अप्लाई करते हैं. तो कोई कंफ्यूजन जरूरत है आगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अप्लाई करने की बगैर शमाए? सो जस्ट एक तरह ये शोर कर लीजिए कि आपके पास ये कॉलम ड्रॉप हो चुके हैं, यहाँ पे यस और नो आ चुका हुआ है, और इस वाले कॉलम के भी आपने सो यस और नो का मैं प्लेस कर दिया, ट्रू और फॉल्स है, और इसी तरीके से आपके पास चयन में भी ट्रू और फॉल्स आ चुका है. ये कमांड देख रहे हैं रन हो रही. अब आप एक वेरिएबल ले लें y, y इज इक्वल टू करें जो भी आपके पास डेटा फ्रेम नेम था df, जो भी डेटा फ्रेम नेम रखा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट और चर इज इक्वल टू चर. तो अब आपके पास तमाम के तमाम एग्जांपल पॉइंट्स के जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे y में आ गए. कर रहे हैं आप लोग सारे रिपीट कीजिए. अब आपको तमाम एग्जांपल पॉइंट्स के ना लेबल्स चाहिए, तो आपने y को भी वेरिएबल नेम लेके लेट से y इज इक्वल टू df, क्योंकि डेटा फ्रेम में तो बेशुमार कॉलम्स हैं, लेबल्स कहां पे पड़े हैं चर वाले में, तो df स्क्वायर ब्रैकेट वो कॉलम नेम दैट इज चर, क्वेश्चन मार्क पास करूंगा तो मेरे पास सारे के सारे लेबल्स उठ के यहां पे आ जाएंगे. अब मुझे अगर x प्रिपेयर करने तो उसकी कमांड क्या होगी? वेरी गुड. एक बहुत सिंपल डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज. अब जैसा हमने चयन वाला कॉलम उठाया, अब हम इसी तरीके से लिस्ट में सारे सारे कॉलम ने पास कर दें, और मेरे पास बहुत सिंपल लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है.
अगर आप करना चाहते हो तो सॉल्व, उसके लिए जो थोड़ी सी एफिशिएंट अप्रोच है वो क्या है यहाँ पे जरा देखिएगा। यानी अब आप मुझे ऐसे क्या अपने बड़े वो प्रॉब्लम लिखे यहाँ पे क्या किया कि जो आपके पास कंप्लीट ये वाला डाटा फ्रेम आ रहा था इसमें df डॉट ड्रॉप यानी इस वाले कॉलम से df डॉट ड्रॉप किया x is equal to 1 डॉट कॉलम्स, तो इट मींस के इस df में जो तमाम के तमाम फीचर्स आ रहे थे उसमें से चर्न वाला फीचर ड्रॉप करके बाकी सारे के सारे जो कॉलम नेम थे वो अब इस फीचर्स में आ गए। अब आपके पास यहां पे इस फीचर में तमाम के तमाम कॉलम नेम्स पड़े, पहले बजाय इसके कि आप खुद से वो कॉलम नेम लिखें, अब आपके पास यहाँ पे इस लिस्ट की फॉर्म में सारे के सारे कॉलम आ चुके हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉलम नेम थे ए बी सी डी, सॉरी मैं आपके पास और ये आपके पास था टारगेट, ये वाली इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इस डीएफ में। देन आपने जब इसको कहा कि df डॉट ड्रॉप कर दो टारगेट, तो इसने आपको एक डेटा फ्रेम रिटर्न किया, उस डेटा फ्रेम का पे जब आपने डॉट कॉलम्स किए तो उसने उस रिजल्टेंट डेटा फ्रेम के सिर्फ कॉलम्स रिटर्न कर दिए। अगर मैं यहां पे df डॉट ड्रॉप कंप्लीट ट्रीट करता हूं तो आपके पास ये वाला कंप्लीट डेटा फ्रेम रिटर्न होता है, और इस डेटा फ्रेम पे डॉट कॉलम्स करूंगा तो आप मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाले कॉलम नेम आ जाएंगे फीचर्स में। और अब वो जो पहले हमें हर फीचर का नाम लिखना पड़ता था, अब आप सिर्फ और सिर्फ ये लिस्ट उसमें पास करते हैं तो आपके पास एक्स प्रिपेयर हो जाएगी। ड्रॉप करने के बाद एमडी करो, Thank you.
सो एक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. सो आपको आइडिया हो गया कि किस तरह हम अपना डाटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर सकते हैं. अब यहां पे सो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है सिर्फ दो मिनट चाहिए, फिर उसके बाद आप रिलैक्स कीजिएगा. जो हमने अभी तक प्रीवियस टू और थ्री डेज में जो डिस्कस करते रहते वो ये था कि मेरे पास इनपुट अलग आ रही हो रही थी, वाई में मेरे पास अलग इन्फॉर्मेशन थी, और देन हम एक्स और वाई दोनों को पास करते थे ट्रेनर स्प्लिट में, और मेरे पास ट्रेनिंग डेटा और उसके अगेंस्ट एक्चुअल लेवल आ जाते थे, टेस्टिंग डेटा और उसके अगेंस्ट एक्चुअल लेवल्स आ जाते थे. जो अभी तक मैंने आपसे शेयर किया उसमें भी यूज की, मेरे पास कंप्लीट डेटा प्लेन था जिसमें मेरे पास एक्टिव ग्रुप्स भी थे और मेरे पास टारगेट लेवल भी था. सो हमने पहले टारगेट लेवल को गेट किया और उसको वायरलेस को आया, और इसी तरीके से पहले हम तमाम कॉलम के नाम गेट करते हुए इस अप्रोच को यूज करते हुए तमाम का तमाम एक्स अपने पास स्टोर करवा लिया एक और वेरिएबल, और अब आप उसको पास कर सकते हैं. यहाँ पे जो चीज है कि यहाँ पे इस वाले केस में अभी मैंने जो लेबल्स हैं उनको सेपरेट आउट नहीं किया इस वाले केस में, तो ये भी एक पॉसिबल अप्रोच है.
और देन इट मींस कि मैं फिर इसको बाद में सेपरेट आउट करूंगा. सो फ्रॉम एसकेलर डॉट मॉडल सेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट. अगेन हमें पता है ये क्या काम करते हैं कि हमें हमारे बैटरी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग. सो हमने इसको अब ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ डेटा फ्रेम पास किया. डेटा फ्रेम का मतलब है कि तमाम की तमाम इनपुट भी और उसके अगेंस्ट एक्चुअल आंसर्स भी. जो पहले हम कर रहे थे वो एक्स और वाई दोनों को पास करते थे, राइट? कुछ याद है कि जब हमने उसको सेपरेट आउट नहीं किया, वो इकट्ठा करके पास कर दिया. अब ये क्या काम कर रहे हैं कि ये मेरे पास कंप्लीट डेटा है. अब ये इसको स्प्लिट कर रहे हैं टू पार्ट्स में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग. अभी भी जो एक्चुअल लेवल है वो इसी में है. सो जब हमने इसको रन किया तो उसने कह दिया df underscore train और df underscore test. नेक्स्ट अब मुझे अगर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर अप्लाई करना है या कोई भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करना है तो कितने स्टेप्स थे? पांच. या उसको हम मर्ज करते हुए चार कर सकते हैं. फिलहाल पांच से स्टार्ट करते हैं. पहला स्टेप उस क्लासिफायर को इंपोर्ट करना. दूसरा स्टेप उस क्लासिफायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. थर्ड स्टेप उस क्लासिफायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको डेटा पे ट्रेन करना यूजिंग फिट मेथड. फोर्थ स्टेप टेस्टिंग डेटा इनपुट करना और उसके लिए प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स हैं. और लास्ट स्टेप टेस्टिंग डेटा के जो प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स हैं और जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करते हुए एक्यूरेसी कंप्यूट करना, राइट? या फिर जो स्कोर का फंक्शन है वो लास्ट टू स्टेप्स को मर्ज कर देता है. सिर्फ आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर लिया, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया यूजिंग फिट मेथड और ट्रेन कर लिया और प्रेडिक्ट मेथड आपने प्रेडिक्शन कर ली और स्कोर यूजिंग स्कोर मेथड आपने प्रेडिक्शन और एक्यूरेसीज कंप्यूट कर ली. सो अब हमने यहाँ पे एक ensemble मेथड ले लिया रैंडम फॉरेस्ट ensemble मेथड. याद आपको हमने कहा था कि जब वो डी क्लासिफायर है और मल्टीपल क्लासिफायर मिलके अपनी अपनी स्ट्रेंथ देते हैं ताकि ओवरऑल जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. सो सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप df underscore train में हमने फीचर्स, याद है फीचर में क्या था? तमाम के तमाम कॉलम में ऑटोमेटिकली वो x बन रहा था वो पास किया. और df underscore train में हमने चर्न क्वेश्चन यानी जो मेरा लेबल था वो पास कर दिया और मेरा मॉडल ट्रेन हो गया. अब मुझे टेस्टिंग करनी है. क्या चेकआउट होनी चाहिए? क्लासिफाई डॉट स्कोर एक्स है और उसमें मैं यहां पे क्या पास करूं? सो मेरे पास ये कैंडिडेट है ये वाला जिसमें मेरे पास लेवल भी है और df डॉट टेस्ट में मेरे पास ये टेस्टिंग डेटा है और उसमें मेरे पास लेवल भी है. सो जब मैंने मॉडल ट्रेन किया तो आप सोचने जा रहे अब जब मैंने ट्रेनिंग की तो हमने df underscore train को यूज करते हुए ये वाला पोर्शन इसमें पास किया फीचर के थ्रू और df underscore train को यूज करते हुए चर्न के थ्रू ये वाला रिस्पेक्टिव लेवल पास कर दिए. सो जब हम टेस्ट कर रहे होंगे और मैं स्कोर का मेथड कॉल कर रहा हूँ तो उसमें भी मैं करूंगा कि df underscore test square bracket और फीचर्स ताकि वो इनपुट बन जाए पास हो और मुझे इसके अगेंस्ट एक्चुअल आंसर भी पास करने ताकि मेरे पास फाइनल एक्यूरेसी आ सके. देन df underscore test square bracket चर्न क्वेश्चन मार्क वो उसके एक्चुअल आंसर आ जाएंगे और मेरे पास एक्यूरेसी आ जाएगी. सो यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है कि यहाँ पे मॉडल ट्रेन हो गया देन उसके बाद
क्लासिफाई डॉट स्कोर डीएफ अंडरस्कोर टेस्ट और फीचर नेम्स ताकि टेस्टिंग डेटा के जो सिर्फ डेटा है वो पास हो और डीएफ डॉट टेस्ट चर्न और उनके लेबल्स पास हो, ये लेबल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पास हो रहे हैं ताकि बाद में हम एक्यूरेसी कंप्यूट कर सकें। और एक्यूरेसी में यहाँ पे मेरे पास स्कोर आ गया और उसको प्रिंट कराया और एट द एंड मेरे पास वैल्यूज आ गए। आपके पास जो नोटबुक है उसमें और भी बेशुमार चीजें हैं, होपफुली वो आप कर लें। थैंक यू सो मच। उसका एलिस क्रिएट कर लिया था ना, तो फिर वो वरना अगर मैं ये ना करता तो पूरे रैंडम फॉरेस्ट और वो तो कंप्लीट हो जाता। जब उसने ये पूरा डिजाइन किया, ये लिस्ट आप क्वेश्चन ये है कि हमने ट्रेनिंग के लेबल्स यहाँ पे सिलेक्ट किए, जब हमारे पास यहाँ पे डीएफ पास कर रहे हैं तो डीएफ में मेरे पास फीचर्स भी हैं और वो लेबल्स भी हैं, ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। और इसने जब हमें वैल्यूज रिटर्न की तो ये जो डीएफ अंडरस्कोर ट्रेन है इसमें दोनों चीजें फीचर्स भी हैं और उनके लेबल्स भी हैं, तभी फिर हमें बाद में उसको अलग करना पड़ा। डीएफ अंडरस्कोर ट्रेन में से उसके फीचर अलग करने पड़े और उसके लेबल्स अलग करने पड़े। जी 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 फिर तो मुझसे खत्म, जैसे हम पहले मिलते गए थे जैसे मैंने आपको वैल्यू बताया, ये डिफरेंट अप्रोच। नहीं बस कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो? सो मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, अगर आपके कोई कंफ्यूजन हैं तो उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं, 6 बजे तक हमारे पास अभी टाइम है। एक एक काम जो आपने भी करना है कि शायद उन्होंने फीडबैक का फॉर्म फिल किया तो वो काइंड गए क्योंकि कल फिर अगला फीडबैक का फॉर्म आ जाता तो कर लो। अभी आप एक बजे का एक सुनाते हैं, अभी हम शेयर भी करेंगे ना एक बजे की एक वीडियो का देखा होगा क्या था सर डेफिनेशन थी डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड एआई, तो वो डिफरेंस तो ये सारे देखे हैं एवरीथिंग दैट वी डू विद पाइथन डेटा साइंस इज मशीन लर्निंग ठीक है एंड एवरीथिंग दैट वी डू विद पावर पॉइंट इज एआई ठीक है। वो कहानी है कि जनाब ये तो हो गया वो हो गया ये कुछ सब तरह का काम कर रहे हैं, जो आप प्रैक्टिकल करें ये मशीन लर्निंग दैट्स द कोर ऑफ दैट। तो स्पीकर वो जो आप बात कर रहे थे रिलेटेड ये है तो काम में ना इस तरह तो बंदा बनने के लिए बना रहा है जाता है ये तो काम करता है ये जो आपको बता रहे हैं ये कर दियो 3.4 3.4
एडवांस मशीन लर्निंग की नोटबुक और 3.3 वॉटर ये जो सर का सॉल्यूशन है कौन सा वाला सॉल्यूशन ये जो भी करा लेते हैं ये भी करना है ये कर दिया इसके बाद आपको सॉल्यूशन पे इतना फोकस क्यों होता है सर वो कर लिए लेकिन कुछ पॉइंट्स ये उसकी एडवांस एप्पल की नोटबुक है क्लास लिख रहा स्ट्रेंथ टू फ्लो नॉट स्ट्रेंथ टू फ्लो आपके ऊपर जो है ना मैं आपको बताया ना कि जैकेट या चक्री है क्या कोई चीज इसमें ऐसी है जो कि स्ट्रिंग है खुद बता रहा है खुद कह रहा है यस अब उसको याद वो इन प्लेस नहीं होगा आपने कर दिया तो रिप्लेस ही होगा अब देखो ना कंप्यूटर का रैंडम भी कंट्रोल कर लिया है रैंडम से देख अब तो कुछ भी नहीं है रैंडम ये सी टू बैठ के कर हाँ जी कोई और होगा दिखाए दो है यस को नाम इसी में था यस को नाम डार्ट डार्ट नहीं बेटरी टू पास है ठीक है डार्ट नहीं अब आवाज ये डॉट है ये डॉट है ये डॉट है ना ये ये डॉट है ये डॉट है ये पास काफी पास नहीं है ये पास नहीं है तो डॉट है हाँ ये डॉट है इसको ये ये स्क्रीन है ये स्क्रीन है स्केलिंग करने से एक्यूरेसी कम हो गई है स्केलिंग करने से एक्यूरेसी कम हो गई है वो तो कम है पाँच दिन के हम इतना कुछ करना है आप इसकी कैसे बहुत मत
मुझे बताएं ये बेसिकली एक पूरा सेमेस्टर का कोर्स हम आपको फाइनल करवा रहे हैं। ये उसे एडवेक सर से आ गया तो आप उसके करने का फायदा नहीं है। पैरामीटर जो खुद ही पॉइंट हो गया बस उसमें निकाल दिया कलम वो डिपेंड की तरफ है और टाइम बहुत शॉर्ट होगा इसलिए आपको बस देखना होगा करा नहीं सकते वरना ब्लॉक चेन जो है वो पालते तो ये है ना कि इसमें कुछ फंक्शन होंगे जैसे एक अप्लाई का फंक्शन बताया था जी वो ठीक है लेकिन एक करवाना चाह रहे हैं मतलब 2-2 घंटे के 30 सही होगी सर जी वजह क्या सारी बुक होगी वजह ये है एंड होगी कोई विदेश में लग रही है कि टाइम थोड़ा शॉर्ट है सेशन खत्म हो गया ओपनिंग।